अस्सलाम वालेकुम गाइस, और कैसे हो आप सब भाई। आपके लिए काफ़ी दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूँ, 10-15 दिन बाद। और भाई हम बताने वाले हैं, एवरेस्ट ट्री कंपनी में फिलहाल काम कर रहे हैं, और ये अपने मैनेजर हैं। ये ना भाई चलो रख कपड़े ले लो, दांत दांत चमक रहे हैं। और भाई इन्फॉर्मेशन ये है कि क्या नाम है, जो अपना वेलेक्ट्री कंपनी जो रशिया से भेजे जा रहे थे, वहाँ वो विजिट भी जा रहे थे। और अब क्या है कि क्या नाम है, सभी बंदे बहुत परेशान थे, किसी को 6 महीने, किसी को 7 महीने हो गए हैं, वहाँ पे किसी के वीजे नहीं जा रहे थे, मतलब फ्लाइट नहीं हो रही थी, कंपनी टिकट नहीं भेज रही थी, वीजे तो सबके लग चुके थे, लेकिन वो कैंसिल हो गया है मामला। अब क्या हुआ है कि क्या नाम है, विजिट वीजे कैंसिल हो गए। अब मसला ये है कि क्या नाम है, एक साल के वीजे क्या नाम है लगेंगे, 2 साल के 3 साल के वर्किंग वीजे वहीं से लग कर आएंगे रशिया के लिए। अभी 10-15 दिन में क्या नाम है, वीजे जाने वाले हैं, सभी बंदे जितने भी रुके हुए हैं सभी आने वाले हैं रशिया में, जो भी वेलेस्ट्री कंपनी हो, LCG कंपनी हो, कोई सी भी कंपनी हो, सभी बंदे आने वाले हैं। सबके लिए खुशखबरी है, अभी हम इतने वेटर से अपने थोड़ी बातचीत करते हैं। ये अन्ना भाई है, ये आर्गन वेल्डर है। तो अन्ना आपको कितना टाइम हो गया, मतलब ये आर्गन का काम करते हुए? करके अभी 12 साल हुआ है। कहाँ सीखा ये काम आपने? मैं 12 साल पहले विशाखापट्टनम जाके सीखा। अच्छा, विशाखापट्टनम में कहाँ सीखे हो काम? विशाखापट्टनम में गाजवा का सेंटर में से। हाँ, गाजवा सेंटर से थोड़ा दूर लगेगा, आटा नगर पर जाके उधर सीखे आए। अच्छा, मतलब सीखने में कितना टाइम लगा था? सीखने का 3 महीना लगेगा। 3 महीना लगता है? 3 महीना लग जाए। अच्छा, सिखाते हो कोई सेंटर है वहाँ? हाँ, सिखाने का ज़्यादा है, कोचिंग सेंटर है। अच्छा, इंस्टीट्यूट भी। कितना पैसा लेते थे मतलब सिखाने का वहाँ पर? 10 साल पहले उन लोग 25,000-20,000 लिया था। और अभी कितना ले रहे हो कोई नॉलेज है आपको मालूम है उसके बारे में? अभी 60,000-70,000 रुपये बोल के बोलते हैं। चलो एक टाँका लगा के दिखाओ मतलब कैसे करते हैं ये काम। तो भाई ये अन्ना ने मतलब यहाँ पे एक टाँका मारा है इसको पाइप को जोड़ने के लिए, बहुत अच्छा काम करता है ये अन्ना। अन्ना इसके बारे में बताओ, मतलब ये तो अन्ना ये मतलब अगर किसी को काम सीखना हो तो कितना महीना लगेगा उसको काम सीखने में? जैसे कि अपना नॉर्मल वेल्डर होता है, वेल्डर करता है, 3 महीना लगेगा? 3 महीना। उससे पहले भी सीख सकता है? सीख सकता है। और ये जो है क्या नाम है, इसकी इंट्रो में क्या क्या पूछा जाता है, मेन पॉइंट मतलब क्या मैन क्या रहता है इसमें? उसमें पूछता है वेल्डिंग प्रोसीजर पूछता है उसके बाद, और वेल्डिंग का जॉब है ना, पहले आके देखना पड़ेगा क्या वेल्डिंग प्रोसीजर, उसके बाद कि उसे आएगा, सब लोग चेकिंग करके जाएगा, होने के बाद हम लोग जॉब शुरू करेगा। नहीं वो तो ठीक है, मतलब अपने यहाँ इंडिया में जब वैकेंसी आती है तो मतलब इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? अरे भाई ऐसे हम लोग मालूम नहीं है, वो लोग जब पूछेगा बिल्डिंग का प्रोसेस में पूछेगा, वही है बात, या बात करना चाहिए उसका साथ, और कुछ नहीं। इसके साथ में क्या क्या रहता है, मतलब क्या ये कैसे चलता है? कौन सा ये वेल्डिंग कैसे चलता है, मतलब क्या रहता है, गैस वेल्डिंग है क्या है, मुझे तो मालूम गैस वेल्डिंग, आर्गन गैस। आर्गन गैस, गैस की टंकी किधर रखी है जो गैस चल रहा है? वो बाहर है।
अच्छा ठीक है, ये रखिए मेरे हाँ ना। ये मतलब आप यहाँ आए हो, मतलब किस ऑफिस से आए हो? एनडी ऑफिस में आया है भाई। एनडी ऑफिस में कितना चार्ज लिया है उधर? चार्ज लिया 80,000 रुपये लिया है। 80,000 रुपया लिया है, चलो अच्छी बात है। और क्या नाम है और ये कंपनी आपको मतलब कितना पर घंटा, मतलब कितना डॉलर दे रही है? डॉलर दे रहे $3.5 $3.5 पर घंटा दे रही है, यानी कि महीने में कितना कमा लेते हो? महीने के ऐसे चौसे का तो 90,000 रुपया से आता। 90,000 रुपया के आसपास कमा लेते हो। बाकी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जैसे कि सर्दी इतनी है, मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा है? 90,000 रुपया कमा रहे हो? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन ये महीना में ना समर का दिन में अच्छा है, लेकिन विंटर सीजन आएगा तो मर जाएगा। हाँ बर्फ आएगी। हाँ बर्फ में ज्यादा, अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है इसलिए ठीक है। अच्छा है,